welcome to my channel. In this video, we will learn some short tricks for calculation. And this video is useful for every student, whether you are studying in school or you are preparing for any examination. तो सबके लिए वीडियो क्या भी बहुत ही यूजफुल होने वाली है. तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? मल्टीप्लीकेशन बाय 11. मतलब क्या? किसी भी नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करना है. कोई भी नंबर, कितना बड़ा नंबर हो, अगर हमें उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसीलिए इसको 3 से 4 सेकंड के अंदर कर सकते हैं. ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. सपोज करो हमने यहाँ पे लिया 11 × 43 लेते चलो, 11 × 43. क्या करना है हमें? पहले से मल्टीप्लाई करना है 11 से. तो करेंगे क्या हम, लास्ट के जो दो डिजिट रहेंगे उसको पहले हमें एज इट इज लिख लेना है. 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे. 4 और 3 मैंने लिख लिया, अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दो. 4 और 3 को प्लस करना है. 4 + 3 कितना होता है? 7. यहाँ पे लिख दो 7. ये आ गया हमारा आंसर. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. 11 × 3 = 25. सपोज करो हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे हम, लास्ट के दो डिजिट को एज इट इज यहाँ पे पुट कर देना है. पहले क्या है 3, इसको यहाँ रख दो. फिर क्या है 5, तो इसको यहाँ रख दो. 3 और 5 में रख दिया, अब क्या करना है 3 + 2 में कर देना है. 3 और 2 को एड कर देना है. 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है. यहाँ पे लिख देंगे 5. और 5 + 2 कितना होता है? इसको प्लस कर दो. 5 + 2 कितना होगा? 5 + 2 = 7 होता है. हमने 7. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, पहले लास्ट के दो डिजिट को एज इट इज रख देना है. उसके बाद इसको प्लस किया, यहाँ पे लिखा, इसको प्लस किया, यहाँ पे लिखा. ठीक है, अब कुछ हम बड़े डिजिट लेके देखते हैं. सपोज हमारे पास 11 × 4, 3, 6, 3. सबको हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है. कोई भी नंबर हो, 11 से मल्टीप्लाई करना है. किसी भी नंबर में, कितना बड़ा नंबर हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं. क्या करना है, पहले हमें लास्ट के दो डिजिट को हमें एज इट इज रख देना है. पहले क्या है 4 है, 4 को हमने रख दिया. फिर यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया है, 3 को ऐसे रख दो. 4 और 3 आ गया. अब इसको पहले प्लस कर देंगे. 4 और 3 को क्या करना, हमें प्लस कर देना है. तो 4 + 3 कितना होता है? 7. यहाँ पे आ गया. 6 और 3 को प्लस कर दो. 6 + 3 कितना आएगा? सॉरी, ये दोनों को प्लस करना है, 3 और 6 को. तो कितना आएगा? 6 + 3 कितना होता है? 9. यहाँ पे आ गया. अब 6 और + 3 इसमें करना है. पहले इसको इसमें प्लस किया, यहाँ पे लिखा, इसको इसमें प्लस किया, यहाँ पे लिखा, फिर इसको इसमें प्लस कर देना. तो 6 + 3 कितना आएगा हमारा? 9. ये हो गया हमारा आंसर. कोई भी नंबर हो अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमें प्रोसेस यूज करनी है. सबसे पहले हम कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं. यहाँ पे 11 × 3, 6, 2, 5, 4, 3. चलो यहाँ पे 3 नहीं लेते, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 ले लेते. चलो कोई भी नंबर लेते, ठीक है. इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ. पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो इन दोनों को एज इट इज हमें यहाँ पे लिख लेना है. यहाँ पे 3, यहाँ पे 2. पहला 3 लिख लिया, लास्ट वाला 2 यहाँ पे लिख लिया. अब क्या करना है, लाइन से प्लस करते हैं. इसको प्लस करो. पहले 3 + 6 को प्लस करेंगे कितना आएगा? 9 होता है, ये हमने लिख दिया. 6 + 2 करेंगे कितना आएगा? 8 होता है, ये हमने लिख दिया. और 5 + 2 करेंगे, यहाँ पे 7 होता है, ये लिख दिया. 5 + 4 करेंगे, 9 लिख दिया. 4 + 2 करेंगे कितना आएगा? 6. ये हो गया हमारा आंसर. कोई भी नंबर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस है. लास्ट के पहले दो डिजिट को एज इट इज लिख देना है. इसके बाद सारे नंबर्स को 1 by 1 करके हमें इसमें प्लस करते आना है. 6 + 3 = 9, 6 + 2 = 8, 2 + 5 = 7, 5 + 4 = 9, 4 + 2 = 6. ठीक है, कोई भी नंबर, ये प्रोसेस हमें यूज करनी है. ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. सो फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या सीखा कि किसी नंबर में 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है, सबसे हमारा कोई नंबर है 4, 2, 6, कैसे मल्टीप्लाई करना है? पहले लास्ट के दो डिजिट को एज इट इज हमें यहाँ पे पुट कर देना है. 4, 6. फिर 4 + 2 करना है, तो 4 + 2 कितना होता है? 6 होता है, इसको हमने प्लस किया, 4 + 2 = 6 हो गया. अगेन 6 + 2 करना है, 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है. ये होता है हमारा आंसर. अब कभी कभी क्या होता है, जो इसको एड करते हैं तो एड करने में हमारा कभी कभी कैरी बचता है. सपोज हमारे पास यहाँ पे नंबर है 4, 7, 6. अगर हम 4 और 7 को एड करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा. 11 में 1 कैरी बचता है. उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सपोज हमारे पास नंबर दिया है यहाँ पे 11 × 7, 6, 9, 5. सपोज हमारे पास ये नंबर दिया है 11 × 7, 6, 9, 5. अब करना क्या है, पहले ये 7 को और ये 5 को यहाँ पे एज इट इज हम पहले पुट करेंगे. 7 और ये 5, लास्ट दो नंबर को हमने एज इट इज पुट कर दिया. अब क्या करना है, इसको पहले ऐड करेंगे. 7 + 6 कितना होता है? 13 होता है.
तो 13 में हमें 13 का 1 यहाँ ऊपर लिखना है और 3 को यहाँ पे नीचे, ये हमें 13 ऐसे लिखना है। 7 प्लस 6 कितना होगा 13, 1 ऊपर 3 नीचे। फिर कितना आता है 6 प्लस 9 करेंगे कितना आएगा 15 आता है, 6 प्लस 9 होता है 15, अगेन 1 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ये हो गया हमारा 15 हो गया। नेक्स्ट क्या है 9 प्लस 5 ये कितना होता है 14 होता है, यहाँ पे 1 और ये 4 यहाँ पे, ये हो गया हमारा 14। हमारे पास नंबर आ गए, हमारा इसका आंसर क्या होगा, पहले 5 यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज, 4 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 4 को भी एज इट इज, 5 प्लस 1 के ऊपर 1 है तो इसको ऐड कर दो, 5 प्लस 1 कितना होता है 6 होता है, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 7 प्लस 1 कितना होता है 8, ये होगा हमारा आंसर। कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा नंबर हो, ये प्रोसेस हमें यूज करनी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम, सपोज पूरा हमारे पास दिया है 7, 11 × 8, 6, 9, 4, 7, 6, सब उस में इसमें मल्टीप्लाई करना है, कितना ही बड़ा नंबर हो ऐसे मल्टीप्लाई करना है 11 से। क्या करेंगे पहले लास्ट के दो डिजिट को एज इट इज हमें लिखना है, मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, पहले लास्ट के दो डिजिट को एज इट इज, तो पहले हमारे पास क्या है 8 है, ये हो गया हमारा 8, यहाँ पे क्या है 6 है, ये हो गया हमारा 6, लास्ट के दो डिजिट आ गए हमारे पास। अब 8 प्लस 6 करेंगे, पहले 8 प्लस 6 कितना होता है 14 होता है, 14 का 1 ऊपर लिखेंगे और 4 यहाँ पे, ये हो गया हमारा 14। अगेन 9 प्लस 6 करना है तो कितना होता है 15 होता है, यहाँ पे 1 आएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे, ये हो गया हमारा 15। 9 प्लस 4 करेंगे वो कितना होता है 9 प्लस 4 हमारा होता है 13, तो 1 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे, ये हो गया हमारा 13। 7 प्लस 4 करेंगे होता है हमारा 11, तो 1 यहाँ पे ये हो गया 11, और 7 प्लस 6 करेंगे तो वो होता है हमारा 13 का 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ये हो गया हमारा 13। हमें इसको एड करना है, पहले 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 6 एज इट इज आएगा, 3 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो 3 एज इट इज, 1 के ऊपर 1 है 1 प्लस 1 2 कर देंगे, 3 प्लस 1 4 कर देना, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 1 कितना करेंगे 5, और 8 प्लस 1 कर देंगे 9, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई भी नंबर हो हमें ऐसे ही करना है। एक और एग्जाम्पल लास्ट देख लेते हैं, सपोज करो 11 × 9, 8, 9, 2, 5 दिया, ठीक है ये नंबर हमें दिया है, क्या करना है पहले लास्ट के दो नंबर्स को एज इट इज लिखना है। लास्ट नंबर बस क्या है, पहले 9 है यहाँ पे और इस साइड क्या है 5 है, तो मैं 9 और 5 को एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना है, पहले इसको एड करेंगे, 9 प्लस 8 कितना होता है 17 होता है, तो 17 का 1 यहाँ पे और 7 यहाँ नीचे, ये होता हमारा 17। 8 प्लस 9 कितना आता है वो भी 17 होता है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 17 हो गया। 9 प्लस 2 कितना होता है 11 होता है, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, और 5 प्लस 2 कितना होता है 7, तो यहाँ पे 7 नीचे लिखना है बस। ठीक है, अब उसको ऐड कर देना है, क्या करेंगे 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 5 एज इट इज आएगा, 7 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो 7 भी एज इट इज आएगा, 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 एज इट इज आएगा, 7 के ऊपर 1 फिर 7 प्लस 8 कितना आएगा, 7 प्लस 1 कितना आएगा 8 आएगा, अगेन 7 प्लस 1 कितना आएगा 8 आएगा, और 9 प्लस 1 कितना आएगा 10, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो कोई भी नंबर होगा तो हमें ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करना है। आगे समझ में, सो फ्रेंड्स इस ट्रिक का यूज करके आप कितने भी बड़े नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करना तो आप इजीली 3 से 4 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई भी नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो इस ट्रिक का यूज करना है, और आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।